तो अंतरिम बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लोकसभा में प्रस्तुत अंतरिम बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। यह अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय स्वागत योग्य है। सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। योजना गरीबों के लिए पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य, 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदलने का निर्णय, आने वाले वर्षों में भारतीय रेल की कायाकल्प के साथ साथ औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करेगा। बजट में रक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। यह अंतरिम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला है। अंत्योदय का विजन और 140 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। नए भारत